न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावनवाड़ी में। गोंदिया शहर में रात के अंधेरे में घरों के सामने खड़ी दो कार आग में जलकर खाक होने की घटना शुक्रवार 27 मई की मध्य रात्रि 3:30 बजे के दौरान सामने आई है। आगजनी की घटना में कार मालिकों का करीब 13 लाख रुपयों का नुकसान होने की जानकारी है। अग्निशामक कर्मियों की सजगता से बड़ा हादसा टला है, लेकिन आग लगने की वजह अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मध्य रात्रि अचानक आगजनी की भयावह घटना घटने से शहर वासियों में हड़कंप मचा नजर आ रहा है। शिकायत के आधार पर गोंदिया शहर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंजवाड़ चांदनी चौक निवासी सोहेल अकरम सोलंकी, उम्र 25 वर्ष की, मालकियत की हुंडई कंपनी की वेन्यू सफेद रंग की कार क्रमांक MH 35 AR 2538, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है, घटना की रात फरियादी के घर के सामने खड़ी रखी थी। इसी कार के ठीक बाजू में कमल किशोर अग्रवाल की मालकियत की I-10 कंपनी की कार क्रमांक MH 35 P 1326 हमेशा की तरह खड़ी रखी थी। शुक्रवार की मध्य रात्रि करीब 3:30 बजे दोनों कारों को अचानक आग लग जाने से कार जल उठी। धुएं उठने से परिसर में स्थित मकान मालिक नींद से जागे। उन्होंने घटना की जानकारी कार मालिकों को और अग्निशामक विभाग को दी। तत्काल 2 फायर वाहनों को घटना स्थल पर भेजा गया। कर्मियों द्वारा आग को काबू में करने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन देखते ही देखते दोनों कार आग बुझाते तक जलकर खाक हो गई थी। लेकिन विस्फोट जैसी स्थिति निर्माण ना होने से भारी नुकसान सहित बड़ा हादसा टल जाने से जनहानि नहीं हुई है। बताया जाता है कि जिस वक्त परिसर में दोनों कारें चल रही थी, उस समय अनेक वाहन खड़े थे। आगजनी की घटना में कार मालिकों का करीबन 13 लाख रुपयों का नुकसान हो जाने का बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। संदेह जताया जा रहा है कि परिसर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर को किसी अज्ञात द्वारा रात के अंधेरे में आग लगाए जाने से हवा के साथ साथ परिसर में स्थित वाहनों को आग लगी होगी। शहर के गंजवाड़ में घटी आगजनी की घटना से शहरी क्षेत्र के वाहन मालिकों में खलबली मच गई है, जो घटना के बाद खुद के वाहनों को असुरक्षित समझ रहे हैं। फरियादी की शिकायत पर गोंदिया शहर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 435 427 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस हवालदार मलगाम कर रहे हैं।